लेडीज एंड जेंटलमैन, तैयार हो जाइए फॉर कॉमेडी कार्निवल, द ग्रैंड फिनाले ऑफ कॉमेडी सर्कस। और आज है नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट, पावर पैक परफॉर्मेंसेस एंड टन्स ऑफ फन। हंगामा और धमाल से पैक हाउस के बीच आई डिक्लेयर द ग्रैंड फिनाले ऑफ कॉमेडी सर्कस ओपन। दोनों जोड़ियां हंसा हंसा कर मरने मारने को तैयार, क्योंकि आज है कॉमेडी सर्कस का ग्रैंड फिनाले। और दोनों जोड़ियों का मानना है कि कॉमेडी जंग में सब जायज है, और हो भी क्यों ना भाई, दांव पर लगी है हजारों लाखों फैंस की चाहत। कॉमेडी सर्कस की ये ट्रॉफी, सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑफ कोर्स द प्राइज मनी ऑफ 20 लाख रुपीज। कौन होगा आज का विनर? किसके फैंस आज जीत का जश्न मनाएंगे? कौन बनेगा कॉमेडी सर्कस चैंपियन? ये सब हमको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। और हाँ, आज का सफर मस्ती और धमाल की सारी हदें तोड़ने वाला है। मुझे तो डर है कि आज के पावर पैक थ्रिलिंग और एक्साइटिंग एपिसोड में हमारे पास टाइम कम पड़ने वाला है, तो बिना वक्त जाहिर किए बुलाती हूँ आज शाम की पहली थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग जोड़ी को, यदिया। Surprised? Today, expect the unexpected. Everyone, put your hands together for this jodi, CID ke ACP Pradyuman Shivaji Satam and our very own Johnny Lever. आपका स्वागत है साहब। जॉनी भाई, एक मिनट, मैं यहाँ शो के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक केस के सिलसिले में आया हूँ। यहाँ क्या केस? Riots, riot केस। मैंने सुना कि यहाँ राइट्स हो रहे हैं। यहाँ राइट्स, यहाँ हो रहे हैं ना बाबा, हर एपिसोड में कॉमेडी के राइट्स हो रहे हैं, और कोई राइट्स नहीं। नहीं 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 जॉनी भाई, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें यह पता चला है कि आप और सतीश शाह बहुत कम हंसते हैं और अर्चना जी जोर से फैल कर हंसती हैं। नहीं नहीं, आप हंसिए मत। और एक बात जी, CID के 10 साल में ये ACP प्रद्युमन आज तक कभी हंसा नहीं है, इतना मुस्कुराया तक नहीं है, तो अब बताओ। मुझे तो फिर आप पे केस करना पड़ेगा। क्या मतलब? 10 साल से आपने ना मुस्कुराया ना हंसे, इसका क्या मतलब है भाई? अच्छा हो गया आप आ गए भैया, थैंक यू वेरी मच, आप एंजॉय कीजिए, हंसिए और कुछ हंसी ब्रीफ केस में, सूट केस में भरिए और ले चलिए, आइए बैठ के मांसते हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आ रही है वो यूनिक जोड़ी जिसके टिप्स और इनकरेजमेंट्स ने सारी परफॉर्मिंग जोड़ियों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। एक वो जिनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती, और दूसरे वो जो नाप तोल के हंसते हैं। यस, यू गेस्ट इट राइट, वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आवर जजेस अर्चना पूरन सिंह एंड सतीश शाह। अर्चना रुको रुको, क्यों झगड़ा शुरू करते हैं? झगड़ा मतलब वाह झगड़ा? तुम नहीं समझोगी, प्रोड्यूसर चेक नहीं देगा हमें, उसका कहना है जब तक हम झगड़े नहीं तब तक व्यूअरशिप नहीं बढ़ती ऐसे रियलिटी शो की। हम झूठ मूठ का झगड़ा करेंगे इन सबके सामने? ये बेवकूफ नहीं, इन्हें पता चल जाएगा हम ऐसे ही झूठ मूठ का झगड़ा कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस कहते हैं, पता चल जाएगा। तुम झूठ मूठ का इतना हंसती हो, किसी को पता चला? Excuse me, मैं झूठ मूठ का नहीं हंसती हूँ, मैं दिल खोल के हंसती हूँ, दिल से हंसती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं रुक रुक के हंसता है, सोच सोच के हंसते हो तुम। हाँ, तो सोच सोच को ही हंसना पड़ता है, क्योंकि सोच सोच के मार्क्स देने होते हैं, नंबर देने होते हैं, कितना पैसा, कितना दारो मदार है इस पूरी जवाब पे, तुमको पता है? अरे तुम्हें हंसी नहीं आती फिर भी सोच के हंसते हो, देर से हंसते हो। मैं दिल खोल के हंसती हूँ, मैं सिंसियरली हंसती हूँ, जब भी हंसती हूँ मैं अपने फीलिंग्स के साथ हंसती हूँ। देखा कितना बोलती है, वहां भी मुझे बोलने नहीं देती, इतना बोलती है जो पॉइंट्स मैंने सोचे होते वो सारी ये बोल जाती है, फिर जब मेरे पे माइक आता है तो मैं चुपचाप बैठा हूं, बोलता है को बोलना नहीं आता, मुझे बोलना पड़ता है। अच्छा, अरे भाई क्योंकि ये बोलता नहीं है इसलिए मुझे बोलना। नहीं 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 जॉनी, नहीं तुमको नहीं बोलने देगा जॉनी, तुमको भी नहीं बोलने देगी वो। अरे भाई व्यूअरशिप बढ़ गई, आ जाइए, ग्रैंड फिनाले ऑफ कॉमेडी सर्कस, द एक्साइटमेंट इज बिल्डिंग अप।
सब जानने के लिए उतावले हो रहे हैं कि कौन सी जोड़ी आज चैंपियनशिप लेकर जाएगी और इससे हमारी पांच एलिमिनेटेड जोड़ी फिर से परफॉर्म करेंगी. सो गेट रेडी फॉर अ सेलेस्टियल ट्रीट एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द मैग्निफिसेंट सेवन. जज ने इनसे कुछ स्पेशल परफॉर्मेंसेस की फरमाइश की है. सो गियर अप फॉर द अल्टीमेट कॉमेडी सर्कस सेलिब्रेशन क्योंकि आ रही है कॉमेडी सर्कस की पहली जोड़ी. कहते हैं ना भगवान जो भी करता है भले के लिए ही करता है. अगर ये दोनों एक ही देश में पैदा होते एक ही गली मोहल्ले में रहते कितनों की शामत आ जाती. इसका तो ऊपर वाला ही मालिक है. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर योर फेवरेट जोड़ी शकील एंड उर्वशी. कभी तो हंस दिया करो. मुझे डॉक्टर ने मना किया है. हंस दिया करो. तू भी तो हर वक्त नाचती रहती है. कोई कोठा खोल ले हम लोग. श्रुति गरीब इलाके की किलो पत्रा. गरीब इलाके किलो पत्रा. नहीं थी निकम्मे पति हो तुम. जब देखो ताना देते रहते हो मुझे. मेरा बस नहीं चलता. मैं तुझे जहर दे दूं. लाके दे दो ना जहर मुझे. अच्छा अब सारे काम मैं ही करूं खुद कुछ ना करना. दुनिया की सुस्त तरीन औरत. क्या कमी है मुझ में? तेरे में कैल्शियम की कमी है. तेरे में हया की कमी है. और कमी नहीं तेरे में हर चीज की ज्यादती है. क्या मतलब? क्या मतलब? मेरे साथ धोखा हुआ है. कैसा? मुझे फोटो दिखाया माधुरी का पकड़ा दिया फातोड़ी. मुझे भी फोटो दिखाई थी अनिल कपूर की पकड़ा दिया अब्दुल गफूर. ऐसी बात नहीं है. लड़कियां मरती हैं मेरे पे और जो नहीं मरती मैं घर जाके मार देता हूँ. ठा. बात नहीं करना. तेरे बाप को बोलिए माल बदल के दे मेरे को. मोहर है मेड इन जापान का माल है ताइवान का. मुझे भी कहा था एक नंबर का माल है पकड़ा दिया चाइना का दो नंबर का माल. मेरे साथ बदतमीजी बिल्कुल नहीं करना. बता दे मेरे साथ बिल्कुल बदतमीजी नहीं करना. मैं बड़े कमीना आदमी हूँ. तो मैं चमाट मार के ना फिर माफी मांग लेता हूँ. मेरे साथ बदतमीजी की मेरी पता क्या मेरी बद्दुआ लेगी तू. अरे जाओ जाओ बद्दुआ की बात कर रहे हो. एक बार इन्होंने अपने अब्बा को ही बद्दुआ दे दी. या अल्लाह अल्लाह मेरे बाप को उठा ले मार डाल. मोहल्ले के पांच छह आदमी मर गए. तो मेरा खानदान मैं आप तेरा खानदान को इसकी माँ अल्लाह माफ करे इतनी मोटी है. सर सर आपको बता रहा हूँ. देखो देखो चुप रहो. इतनी मोटी है जापान के पहलवान शर्मिंदा हो गए. वो कह रहे बहन तुम ही हो हम तो बस ऐसे ही हैं बस अखलाक हैं. ऊपर से काली और इतनी काली तेरी माँ तवे से शर्त लगा के पैदा हुई थी. अल्लाह माफ करे तेरी माँ दो हफ्ते और नहीं होती ना अफीम बन जाती. खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो बोलूंगा. तेरी माँ के बारे में बोलूंगा. अल्लाह माफ करे एक तो मोटी ऊपर से काली पूरी शादी में पीली साड़ी पहन के घूम रही है. सबसे पूछ रही कैसी लग रही हूँ. मुझसे कह रही कैसी लग रही हूँ. मैंने कहा आंटी ऐसा लग रहा है कोयले के गोदाम को आग लगी हुई है. सफेद सुरमा लगाती है काला तो नजर नहीं आएगा. मुझसे आके कह रही बेटा मेरी सालगिरह है. मैंने कहा आंटी क्या कर रही हो ना मनाओ छोड़ो दफा करो इतना बड़ा केक कहाँ से आएगा. नहीं कह रही मेरी सालगिरह तो मुझे क्या देगा. मैंने कहा जो तुमने मुझे दिया ना इस हिसाब से तुम्हारे लिए बद्दुआ बनती है. तेरी माँ इस किस्म की औरत है. बहुत बोलिया मेरी माँ के बारे में. हाँ अब अपने खानदान के बारे में बताऊँ. बताओ.
अपने नहीं तुम्हारे खानदान के बारे में। हाँ तो बता। हाँ बता। शादी हुई मेरी, मैं इनके घर पे आई, खीर खिलाने की रस्म होने वाली थी जहाँ दूल्हा दुल्हन को खीर खिलाता है। जैसी आई बड़ी बहन आ गई, थोड़ा ला दिखा जरा मैं चाट के दिखाऊं कैसी लगी है। उस तरह से छोटी बहन आ गई, बड़ा भाई आ गया, छोटा भाई आ गया, पूरा खानदान आ गया, कटोरा खाली दे गया हाथ में मेरे। फिर मैंने भी कहा लो भाई चाट लो कुत्ते की तरह। कुत्ते से तुम्हारा बाप याद आया, क्या बोल रहे हो? बस ऐसे ही एक वाक्य आ गया जहन में, इसका बाप अल्लाह माफ करे, जितनी माँ मोटी उतना ही बाप दुबला। उसको तो कन्विंस की जरूरत ही नहीं, जिधर की हवा निकल गया। ऐसा पतला कपड़ा पहनता लगता बांस में कपड़े लटकाए हुए। मेरे घर आ गया कि बेटा आज तेरे यहाँ रहूँगा। मैंने कहा रह लो। सो गए, रात को उठ उठ के चेक कर रहा हूँ सांस ले रहे नहीं ले रहे। उनको उठा उठा के बोला अंकल सोते में भी सांस लेते हैं, ध्यान में रखना, कहीं तुम दो मिनट के लिए रोक लो तुम तो निकल जाओगे। बिल्लियों पे ध्यान रखा हुआ था, कहीं वो उठा के ना ले जाए, उनका तो डिनर हो जाएगा मेरी मुसीबत हो जाएगी। दिन में सहन में जा रहे हैं, चील कौओं को देख रहा हूँ, वो झपट्टा ना मार दे, हवा में खुराक बन जाएंगे। बात हो गया मेरे बाप के बारे में। नहीं, इनके बाप के बारे में सुनो, कितने से 2.5 फुट के, सच में 2.5 फुट के। रुखसत होके इनके घर पे आई तो आके बगल में बैठ गई। मैंने सोचा क्या पता इतना छोटा सा बच्चा है हंस खेल रहे हो, उठा के मैंने गोद में बैठा दिया, फिर भी उछल रहा है गोद में। मैंने पूछा नाम क्या है बेटा बताओ, गुन्ने बना मैं बोल नहीं रहे अपना नाम। वो तो पीछे से एक औरत ने मुझे बताया, बहन ये तो पूरा का पूरा आदमी है, तुम्हारा सुसर है। ऐसा उठा के फेंका है मैंने तुम्हारे बाप को, सीधा तुम्हारी माँ की गोद में जाके गिरा है। फिर मैंने तुम्हारी माँ को कहा सासू माँ शादी तो मेरी हुई, गोद तुम्हारी भर गई। अब बोल है ना 2.5 फुट का, 2.5 फुट का है मेरा बाप, काम बड़े बड़े दिखाए। तुम इतना रुआब झाड़ रहे हो क्योंकि तुम शौहर हो, इसीलिए अगर मैं शौहर होती ना तो मैं बताती तुम्हें। तुझे शौक है शौहर बनने का? हाँ। चल तू आज से शौहर। सच? मैं पत्नी। ठीक है। तुझे पता लगेगा शौहर बनना क्या होता है। ठीक है ठीक है। जरा कुर्सी कहाँ है? कुर्सी कुर्सी एक दे दो, ला कुर्सी दे दो, कुर्सी कुर्सी तो मंगवा। अच्छा ए कुर्सी लाओ। चल मैं बीवी तू पति। एक मिनट तुम्हारी मूछ मूछ, चल समझ ले किसी की रह गई है। शरीफ बीवी बननी है या तुझे रातों रात अमीर करने वाली? मुझे शरीफ बीवी चाहिए, घरेलू कच्ची आबादी। ओके चल मैं बैठा बैठी हूँ, खाना पका रही हूँ, तो काम पे से आ। अच्छा ठीक है आई। हाँ भाई दरवाजा तो खटखटा ले मनुष मारे। औरत जाते पता नहीं कैसी बैठी हुई हूँ। आदमी दरवाजा खड़ा ताकि औरत सिमट जाए, अपनी चीजें समेट ले। हाँ चलो चलो। मैं ही ऐसी बैठी हूँ तो कैसा लगता? अपने, भाई अपने घर में भी दरवाजा खटखटा के आएगा तू? यानी बीवी पे शक कर रहा है, कोई है तो निकल जाए। मैं शर्म नहीं आती, तुम्हारा अपना घर है, दीवार कूद के आओ। हाँ भाई क्या पका है? पैसे देके गया था। क्या मतलब खाने के पैसे भी मैं ही देके जाऊं? मैंने पहले ही पूछा था शरीफ बननी है वो वाली बननी है। एक दफा मुझे परमिशन दे दे, अगर 2 दिन में तुझे पिजारो ना दिला दूं फिर बोलना। एक हफ्ते में तेरी कोठी खड़ी होगी, सारे हिंदुस्तान के मर्द तबाह कर दूंगी। मैं इस किस्म की वहशी औरत हूँ। चुप कर, तेरी जबान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगा, फिर बोलूंगा बोल के दिखा। बीवी से ऐसे बात करते तेरा सत्यानाश जाए, तेरा बेड़ा गरक को। चुप है, उल्टे हाथ का दूंगा। क्यों सीधे हाथ में फोड़ा निकले मनुज? तेरा सत्यानाश जाए, तेरा बेड़ा गरक को, अल्लाह करे तू मरे, तेरे जनाजे नीचे बम फूटे, तेरा सत्यानाश जाए, तेरा बेड़ा गरक, तेरा खाना खराब है, तेरा अल्लाह करे तुझे तू सुर में दर में कोई गम डाल के जा, तू लगा काना हो जा मनुज। अल्लाह करे तू बाहर की सिगरेट पे, तुझे बीड़ी का मजा आए, दफा हो जा। अल्लाह करे तेरा 5 करोड़ का बॉन्ड निकले, तुझे ये खबर मिले तेरा अटैक हो जाए, तेरा सतिया ना जाए। अल्लाह करे तेरी दूसरी शादी हो, तू सुहाग रात के कमरे में जाते जैसे घूंघट उठाए तुझे सख्त नींद आ जाए, तेरा सतिया ना, तेरा बेड़ा गरक। दुखियारी दुखियारी बेवा पे का दिल दुखा रहा।
बेवा कहाँ से हुई? मैं अब तक जिंदा हूँ। तू मेरे तरफ से मर गया, दहाओ। बस बस बस, नहीं बनना मुझे पति, नहीं बनना। पता लग गया पतियों का दिल कैसा होता है, उनका हौसला है जो पति बने हुए हैं और तुम लोगों को झेल रहे हैं। मनुष्य औरत, मैं जा रही हूँ। मैं ना डर डर के आ रही हूँ इस तरह। आ जा, कुछ नहीं कहूंगा आज। सच में? आ जा, पानी की मच्छी। पानी की मच्छी। अरे नहीं काटेगा, जाना, कुछ नहीं होता। हाँ नहीं, आ जा, मेरा जहर निकला, आ जा। थैंक यू उर्वशी। एक फायदा तो हुआ उर्वशी। क्या हुआ? कपड़े मैंने पूरे पहना दिए। ऊपर का पोर्शन रह गया, अल्लाह वो भी पहनाएगा। इस कपड़े का एक फायदा है, अब तुम्हें झाड़ू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। हमारे साथ हैं एक वेरी स्पेशल गेस्ट, द वन एंड ओनली शक्ति कपूर। A known villain but a better known comedian, Shakti Kapoor. तो शक्ति जी, आप इतने बड़ी कॉमेडियन हैं, आप कॉमेडी की दुनिया में जाने माने सितारे हैं, आपका फेवरेट कॉमेडी सीन क्या रहा है? तो सबसे फेवरेट सीन मेरे सामने है। भगवान ने सबसे पहले ये दुनिया बनाई, उसके बाद भगवान सो गया, उसके बाद भगवान ने पुरुष बनाया, फिर सो गया, उसके बाद भगवान ने लड़की बनाई, ना खुद सोया ना हमको सोने दिया। Yes, on that note, thank you very much. Shakti ji, please take your seat. Thank you. Thank you. Shakti ji, आप कॉमेडी सर्कस में आए हैं, सबकी बड़ी चाह है कि आप एक बार अपना तकिया कलाम सुना दें। तकिया नहीं, इनको बदनाम कर रखा है। ये बाज नहीं आएगा अभी। मेरे प्यारे दोस्तों, ललिता, तालियां दोस्तों। ग्रैंड फिनाले में अब बारी है हमारी इलेक्ट्रिफाइंग जोड़ी की। हुआ पोल्स अपार्ट, रियल लाइफ में इनकी जरा भी नहीं बनती, हमेशा झगड़ा, लेकिन जब स्टेज पर आते हैं तो इनकी केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। वो कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो इनकी भी जोड़ी जम गई। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर करिश्मा तन्ना एंड गांव के छोरे ख्याली पिली भंगा। सुखी सुखी जाए रे, सैया हमार मोहे पानी ना पिलाए रे, जेठ महीना है सर्दी लगाए रे, कुआ मा डूब जाऊंगी, कुआ मा डूब जाऊंगी। बस पिछले 8 एपिसोड से यही गा रही है, कुएं में डूब जाऊंगी, कुएं में डूब जाऊंगी, अभी तक तो डूबी नहीं है। तू कौन है? शाहरुख खान तो हो नहीं सकता। हाँ तो शाहरुख खान तो हो ही नहीं सकता तू। क्यों? क्योंकि तू ठीक ठाक बोल लेता है। मैंने सुना तू हीरोइन बनने की सोच रही है। हाँ वो क्या है ना, आजकल डांस बार बंद हो गए ना, तो यही चेक रास्ता रह गया है। देखो मैं हीरोइन तुझे बना सकता हूँ, मैं कई आर्टिस्टों का बॉय रहा हूँ, बड़े बड़े स्टारों का मैं बॉय रहा हूँ। तो अभी क्यों बेकार खड़ा है? और यार वो कॉमेडी सर्कस में मैंने सारे आर्टिस्टों की खेच दी थी ना, उसके बाद मेरे को कोई बॉय रखता ही नहीं है। लेकिन मैं तो हीरोइन बनूंगी, मेरी हाइट देखी तूने? हाइट से कोई हीरोइन बनता है? क्यों, अमिताभ बच्चन को नहीं देखा? इतना लंबा है इसलिए तो फिल्म स्टार बना है। वो कोई एक्टर है? क्या बकवास कर रहे हो, तुमने वो फिल्म देखी है पहली? उसमें रेगिस्तान का गडरिया बना है। हुर, हुर, कितना अच्छा किया उन्होंने। मैडम मैं राजस्थान में ही पैदा हुआ हूँ, राजस्थान में ही बड़ा हूँ, मैंने आज तक फ्रेंच कट गडरिया नहीं देखा। बस यार तुमने वो राम गोपाल वर्मा की शोले देखी है? उनमें वो गब्बर का रोल करे, गब्बर का। यही तो कमी है, गब्बर सिंह एक ही डायलॉग से हिट हुआ था, माँ कहती है सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, हुआ था ना हिट। अब अमिताभ बच्चन भी वही डायलॉग बोलेगा, माँ कहती है सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वो बच्चे डरेंगे नहीं, बच्चे कहेंगे ये काय का गब्बर है, कल तो टीवी में चॉकलेट बेच रहा था। लेकिन फिर भी मैं तो हीरोइन बनाऊंगी। तो मैं तुझे हीरोइन बना सकता हूँ, डांस करके दिखा। दिखाऊ? मुंगड़ा मुंगड़ा
अरे यार कपड़ा लेके ऐसे नहीं बदन साफ करते, मेरे को दे मेरे को दे, ऐसे नहीं बदन साफ करते बेवकूफ। मुझसे शादी करोगी, मुझसे टैंग टैंग टैंग, मुझसे शादी करोगी। आ, 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 आ। ऐसे कपड़े से बदन साफ करते हैं, पता ही नहीं। ओके, फिर भी मैं हीरोइन बनूंगी, मुझे एक्टिंग भी आती है। एक्टिंग मैं बार बार वाली लड़कियों को एक्टिंग आती है। आप तो अपना बार डांस का स्टाइल बीच में घुसाओगे, अगर आपको बैंक की भी एड मिल गई ना तो आप उसको ऐसे ही करोगे, ये है आपका अपना बैंक। आपका बैंक, आपका बैंक, सबका बैंक। आप हमारे बैंक में कभी भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमारे बैंक की शाखाएं पूरे इंडिया में फैली हुई है। आप अपना स्टाइल छोड़ोगे? देखो मुझे एक्टिंग आती, चाहे तो आजमा लो। चल तू बैंक लूटने आई है, मैं बैंक का कैशियर हूं, बैंक लूटने की एक्टिंग करके दिखा। ठीक है। हैंड्स अप, पैसे निकालो। गन पकड़ गधा, गन दे। ऐसे पैसे देते उड़ाओ। मुंगड़ा मुंगड़ा, 500 की नोट, 500 की नोट। मुंगड़ा मुंगड़ा, 1000 के नोट, 1000 के। मुंगड़ा मुंगड़ा, मैं कुड़की क्या ली। पैसे खत्म हो गए बैंक में, चिंदी चोर, पैसे खत्म हो गए। चल तो आइटम भी खत्म। थैंक यू, थैंक यू करिश्मा, थैंक यू खयाली। अब वक्त है हमारे एक जज को अलविदा कहने का, एंड ऑफ कोर्स उनका शुक्रिया भी कहने का कि वो यहाँ आए और हमारी चैंपियनशिप को चार चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच शक्ति जी, अ बिग 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 थैंक यू एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शक्ति कपूर। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द कॉमेडी सर्कस, लव यू, थैंक यू, स्पेशली यू। ओ शक्ति, बाज आ जा, बाज आ जा। शक्ति डांस, डांस करते करते जाओ। आज बात हो रही है जीत की, जश्न की, चैलेंज की, चैंपियनशिप की, तो क्यों ना हम ढोल की बात करें, क्यों ना हम ढोल बजाकर आज के चैंपियनशिप में पैशन भर दें। तो आ रहे हैं आज के दो और स्पेशल गेस्ट, द लीड एक्टर्स ऑफ द फिल्म ढोल। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द स्वीट फेस, वर्सेटाइल, द मैन विद ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ सुपरस्टार, मिस्टर तुषार कपूर, और साथ में है द यूथ सेंसेशन, द बॉय वंडर, कुणाल खेमू। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू एवरीवन फॉर द वेरी वेरी वार्म वेलकम। हम दोनों यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं और करने वाले हैं, लेकिन आप हमारी अगली फिल्म ढोल जरूर देखिए। बिल्कुल, ढोल के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर है, जिसमें ये कॉमेडी है और मैं थ्रिलर हूँ। एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि ढोल में मैं हीरो हूँ और ये ढोल है। तुषार, दैट वाज द सस्पेंस ऑफ द फिल्म। इसको सस्पेंस रखना नहीं आता तुषार, तुझे सस्पेंस रखना सीखना चाहिए हमारे प्रिय मिस्टर शिवाजी साटम से, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो 10 साल से CID का सस्पेंस ऐसे मेंटेन कर रखे हैं। तुझे पता है उस चश्मे के पीछे सबसे बड़ा सस्पेंस छुपा है? उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। लेकिन आप हमारी अगली फिल्म ढोल जरूर देखिए, क्योंकि ये मजाक नहीं है, क्योंकि वो फिल्म तो आप जरूर बेहद इंजॉय करेंगे। डेफिनेटली, और ढोल और तनुश्री के साथ साथ हम दोनों को भी देखिएगा। थैंक्स। कॉमेडी सर्कस फिनाले में अगली फिनोमिनल जोड़ी वो है जिसकी लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में हमारे जजेस ने ये कहा था कि ये परफॉर्मेंस काफी मुश्किल है और बड़े बड़े और एक्सपीरियंस लोग भी इसको करने से कतराते हैं। यस, यू गेस्ट इट राइट, वेलकम द स्टाइलिश जोड़ी वरुण बडोला एंड दीपक दत्ता। USA, I was born in the USA. अबे झूठ झूठ बोल रहा है, USA में born, अबे बम्बई में पैदा हुआ था, इनके वालिद साहब जम्मू के बाद पैदा हुए थे, खानदानी तौर पर तबला बजाते हैं ये लोग। हाँ जी, हिस्ट्री ठीक है इनकी, ज्योग्राफी गलत बता रही है।
This is highly preposterous, Khan Sahab. You know what happens with you? You have a personality problem. Anybody who tries to show any respect towards you, you find it insufficiently genuflectory, and then you denounce and demean the person. Abey, ruk ja. Itni tez angrezi bol raha hai. Aise angrezi bolta jaise tabla bajata hai. Dhabar, bhage ja raha hai. Abey, yun lag raha hai jaise angrezi ki mimicry kar rahe ho. Mimicry artist. Khan Sahab. Haan ji. Complex. कदम खुदा की बड़ी मुश्किल से घर बनाया हमने बेटा कॉम्प्लेक्स तो हम बना नहीं पाए खान साहब आप अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स है खान साहब Who said that? Huh? What do you think? I can't speak English. I can very well speak English. And actually, what is that word in English? What? What do you call it in? What is that? What? अबे रोक दे कितनी बुलवाएगा इंग्लिश मुटेड़ा हो गया रोक दे बे Shut up, Khan Sahab. क्या क्या समझता है तू मेरे को बेटा हम भी मैस्त्रो हैं सरोद वादा अमजद अली खान नाम है हमारा हम भी मैस्त्रो हैं हमको बड़े बड़े माशाल्लाह ऑफर आते हैं कल ही ऑफर आया था अपना वो बर्मा का लड़का है अपना शोले फिल्म बना रहा है राम गोपाल नाम क्या हाँ नाम हाँ जी वो बर्मा का नहीं है उसका नाम राम गोपाल वर्मा है यहीं का है ओ अच्छा हाँ भाई राम गोपाल वर्मा कल फोन आया था बोला कि फिल्म बना रहा हूँ आप हमारे लिए गाना बना के दीजिए खान साहब हमने कहा भाई ठीक है बड़ा अच्छा हमने गाना लिख भी दिया शायरी हम थोड़ी बहुत कर लेते हैं आपको सुनाते हैं थोड़ी तवज्जो दीजिएगा आप इरशाद बोल बे इरशाद बदतमीज आदमी हाँ जी बड़ा अच्छा देखिए लिखे क्या ख्याल है कि महबूबा ओ महबूबा खान साहब हाँ जी पुराना है अबे धुन नहीं है सुन ले आगे बनेगी बोर कर रहे हैं खान साहब ये क्या है बेटा ये ही सब कुछ है उसी का वजन है हटा दे गाना गा के दिखा दे बॉर्न इन अमेरिका आप टोपी वाले को जानते हैं हिमेश रेशमिया हाँ जी उसने भी तो गाया है महबूबा महबूबा गू बेटा वो गू है ये ऊ है ऊ हिट है अभी अच्छा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन खान साहब हाँ जी मैं आपको बता दूं हाँ जी वो जो पिक्चर है ना हाँ जी उसका नाम जो है शोले नहीं है अच्छा उसका नाम है आग फायर ओह चबाना आदमी नंदी दास वो खान साहब इसमें वो नहीं है अमिताभ बच्चन और अजय देवगन है इसमें तो नाम बदलो बैक फायर रखो But you sing well, Khan Sahab. Yes, I sing very well. I know. आपको कभी किसी ने item number गाने के लिए नहीं बुलाया Khan Sahab? बुलाया नहीं. पता नहीं यार कभी किसी आया नहीं offer इस तरह. You know what, Khan Sahab? हाँ जी. अगले साल ना मुझे Indian Idol में as a judge बुला रहे हैं. Indian Idol में? हाँ जी. अच्छा अच्छा. So why don't you apply there, Khan Sahab? You know I'll be a judge. Maybe I'll consider your case. I'll give you some good marks. अबे तू judge करेगा मेरे को? हाँ. तू number देगा मेरे को? खान साहब हाँ जी मैं आऊंगा तो कुछ नंबर मिल भी जाएंगे ऐसे जज हुए ना तो बोलेंगे वेरी गुड नंबर देंगे 4 थैंक यू वरुण थैंक यू दीपा थैंक यू कॉमेडी सर्कस का फिनाले जिसे जीतेंगे शान से दिलवाले वाह 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 नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए मैं शायरी बोलकर किसी को पकाने नहीं वाली हूँ मैं तो सिर्फ समा बांध रही थी क्योंकि बुलाने जा रही हूँ कॉमेडी सर्कस की उस जोड़ी को जिन्होंने अपनी कविताओं से सबको अपना फैन बना लिया प्लीज वेलकम किरण कर्माकर और सुनील सावरा चुप मुझे सुनाई दे रहा है किसी के रोने का स्वर समझ में नहीं आ रहा है कि कविता का मंच है या मेरा घर औरत के गले में आदमी की आवाज ऐसे लग रहा है जैसे रेशमिया का बिगड़ा हुआ साज ये क्या हो रहा है ये मेरा घूंघट रो रहा है घूंघट कह रहा है 6 महीने हो गए तुम्हारे पति ने अब तक हमें हटाया नहीं है कि कौन सा है कायदा सुना था बाबा बंगाली के पास गए थे फिर भी कुछ नहीं हुआ है फायदा बाबा उस्मान शाह बंगाली हाँ उसका नाम सुनते ही मन करता दूर से हजारों गाली क्यों वो एक नंबर का दगेबाज चालबाज धोखेबाज चोर और मक्कार निकला
बेचता है ताकत की कैप्सूल और खुद ही कमजोर निकला। तो किसी दूसरे डॉक्टर की दवा लीजिए और अपने कविताओं की तरह मुझ पर भी गौर कीजिए। हे शशि मुख कोमली, तेरा कुंतल पट कसमस कसमस करता चिर यौवन घट। तू गुलाब की कली, मैं खड़ा विशाल वट, तू लहर की तरह, मैं सागर का अनंत तट। हे पुराने वट, कब हटाओगे मेरा घूंघट? तुम हो धक धक धूर्त धिकार धुसरत लोभी, जा किचन में जाके पका में जो लाया था फूल गोभी। मैं टिंडा टमाटर तुरई मूंग दाल मूंगफली मुरई सब कुछ पकाऊंगी, पर पहले अपने प्यार की खिचड़ी तो पकाओ, घूंघट तो हटाओ। मैं बिना भाजी खाए सो जाऊंगा, राशन कार्ड की तरह खो जाऊंगा, गटर के पानी की तरह बह जाऊंगा, जर्जर इमारत की तरह ढह जाऊंगा, घूम घूम के सारे शहर के कचरे उठाऊंगा, मच्छरों से नुचवाऊंगा, आवारा कुत्तों से कटवाऊंगा, पर तेरा घूंघट नहीं हटाऊंगा। इतना सब कुछ करोगे? मैं जा रही हूं मायके, वहां से किसी को भाड़े पर ले आऊंगी। भाड़े पर? और उसके सामने हाँ खूब नाचूंगी, खूब गाऊंगी, खूब शर्माऊंगी और अपना MMS खुद ही बनवाऊंगी। अपना MMS खुद ही बनवाएगी? हाँ। कोई बात नहीं, मैं तेरे MMS की वीडियो CD बनाकर उन्हें दिखाऊंगा जो चलाते हैं ट्रक। ट्रक चल पीछे सरक। झंकार बीट्स डाल के रिक्शा ड्राइवरों को दिखलाऊंगा, पायरेसी बनवा के सबको दिखलाऊंगा, रात के 12 बजे केबल पर दिखलाऊंगा और जितने भी कॉलेज में बच्चे जाते हैं उनको मुफ्त में बटवाऊंगा, पर तेरा घूंघट नहीं हटाऊंगा। पुरानी टेप की तरह करते हो खर खर, काटने को दौड़ता है ये घर, अरे सलमान की तरह देखो जाओ पार्टनर, कैटरीना की तरह हनीमून पर ले जाओ, मेरा घूंघट तो हटाओ। मैं तुझे हनीमून पर हुनुलुलु लेकर जाऊंगा। क्या? हुनुलुलु लेकर जाऊंगा। ओह वहाँ। झील पर खड़ी नाव के बीच में लटकाऊंगा। हाँ? जो जगह बनी ही नहीं वहां भी घुमाऊंगा। हाँ? हरी भरी वादियों में आतंकवादियों से मिलाऊंगा। हाँ? नदी के किनारे शॉपिंग करवाऊंगा और जब मैं थक जाऊंगा हाँ? तो तेरे पास हाँ? तेरे पास हाँ? तेरे पास आकर चुपचाप सो जाऊंगा, पर घूंघट नहीं हटाऊंगा। सत्यानाश हो तुम्हारा सत्यानाश। अगर मेरा घूंघट हटाया होता तो देखते मेरा कितना खूबसूरत है ये रूप। तू सूखी जमीन, मैं बारिश की पुहार है? तू माचिस की तीली, मैं 1000 वोल्ट की तार। तू हाथ गाड़ी, मैं मर्सिडीज कार। क्या बोल रही है? तू बाकी सारे दिन, मैं रविवार। तुझे अपने रूप पर इतना घमंड, इस बात का मैं तुझे देता हूं हाँ? दंड। दंड? हाँ दंड, क्योंकि मैं हूं दंड देव, दंड करता, दंड कारक, दंड संवारक, दंड कारक, दंडाधिपति, दंड देव, दंड दास, दंड ग्रहण, दंड चक्र और दंडत्व। इतने सारे दंड और दंडत्व, काश तुम में होता थोड़ा सा पुरुषत्व। तुम्हें मालूम है आजकल मुझे कच्ची डकारे आती है। कच्ची डकारे? और खट्टी चीजें खाने को जी मचल रहा है। जी मचल रहा है? तुमने घूंघट नहीं हटाया तो क्या हुआ, मुझे चौथा महीना चल रहा है। चौथा महीना? हाँ। चौथा महीना? हाँ। चिल्लाने से कम होंगे क्या, आगे बोलो। कोई बात नहीं, मैं 9वें महीने तक लेकर जाऊंगा, हॉस्पिटल में भर्ती करवाऊंगा, सारा बिल तेरे बाप से भरवाऊंगा, बच्चा हो या बच्ची सबको मिठाई बटवाऊंगा, अरे शादीशुदा होने के बावजूद मैं कुंवारा बाप कहलाऊंगा, पर तेरा घूंघट नहीं हटाऊंगा। सत्यानाश हो तुम्हारा सत्यानाश हो। अभी तो बोल रहा है आगे मुंह की खाएगा जब मेरा बच्चा जॉनी जी पे जाएगा। जॉनी जी के पास जा रही है?
वो आवाज सिर्फ तुझे सहारा देंगे, नंबर नहीं देंगे और नहीं सुनेंगे तेरी खूबसूरत साउंड, क्योंकि चैलेंज खत्म हो गया, अब चल रहा है सेलिब्रेशन राउंड। और यहां वहां कहीं भी मुंह मार, तेरे हर मंसूबे होंगे चकनाचूर। कुणाल खेबू सिग्नल पे लेकर घूमेगा और तुझे भगा के लेकर जाएगा तुषार कपूर। थैंक यू, थैंक यू। बोथ आर माइंड ब्लोइंग, बोथ ऑफ यू। थैंक यू किरण, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू, थैंक यू सुनील। आगे बढ़ने से पहले शकील भाई तुषार और कुणाल से कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए शकील भाई। एक तो भाई कह दिया खुले मुंह से, हमें देखो हमने किसी को बहन कहा है नहीं, हमें अपने आप पे एतबार है। आदमी को अपने आप पे एतबार होना चाहिए। आप घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आते हो, उनके बारे में बात करिए ना। क्योंकि तुम चौरंगी में बैठी हुई हो, राउंड अबाउट पे, तो आदमी घूम फिर के वहीं आएगा ना। और याद रखना जहाँ मिठास होती है वहाँ मक्खियाँ आती हैं। वाह 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 वाह। अच्छा ये वही लड़की जो कमजोरी से हंसती है। मेरी मम्मी आज ऑडियंस में है। अच्छा मम्मी जी नमस्ते, कुछ कहा तो बहुत अच्छी बच्ची है। डर गए। मैं इन दोनों के बारे में क्या कहूँ, तुषार भैया के बारे में और कुणाल भैया के बारे में। मैं इनकी फिल्म मैंने देखी, मुझे कुछ कहना है सर, मुझे भी कुछ कहना है। तो आपकी फिल्म बहुत अच्छी थी करीना कपूर के साथ, वो आपसे काफ़ी बड़ी लग रही थी, ऐसा लगता है हीरोइन ने आपको गोद ले लिया हीरो को। तो कैसा लगा आपको, तो मज़ा आया होगा बहरहाल। और कुणाल भाई के लिए कहूँगा, ये तो पैदा होते ही काम पे लग गए। क्योंकि हम है रहाई में बहुत छोटे थे ना तुम तो, तुम्हारे वालदे तुमसे ये भी नहीं कह सकते कितने मुश्किल से पाला पोसा है तुम्हें, कितना खर्चा हुआ है, तुम तो पैदा होते ही काम पे लग गए थे। उसके बाद तुम्हारी फिल्म मैंने देखी भाई, भाई में भी बहुत छोटे थे, अचानक क्यों बढ़ गया, खाद वाद खाने लगे हो क्या करें। ऐसे ही होता है, कोई बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं जैसे आप एकदम हो गए, और कुछ लोग जल्दी अचानक बुढ़े होते हैं जैसे सतीश भाई, ये बुढ़े हो ही नहीं रहे, ये किसी दिन अचानक सोएंगे सुबह उठेंगे अजीब हो जाएंगे। मैं ऐसा तो नहीं था रात में। तो आप दोनों के लिए इतना ही कहना है, मुझे कुछ कहना था मैंने कह दिया सर, आपके लिए भी कह दिया, सतीश साहब के लिए भी कह दिया, अर्चना जी आपके लिए क्या कहूँ, आप भी बहुत अच्छी हैं और आप हंसने में कंजूसी नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद आपके जो है ना ये जो रिंग ट्यून आता है ना, इनमें इनकी हंसी होगी, हंसी होगी। और कैसा लगेगा अचानक मैयत, कहीं आदमी मैयत में गया वहाँ बच जाए, हा, हा, हा। जिसका बाप मर गया वो मारा, हमारा बाप मर गया तो हंस रहे, बोला भाई मोबाइल बच गया क्या करें। तो इनकी हंसी बहुत इस्टेब्लिश होगी। जॉनी भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, जॉनी भाई से मेरी 89 से हेलो हाय है, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और इनके बातों में और चाशनी पैदा करे, जो बोले लोग हंसे। और आपका तो मैं हूँ क्या हो अब्बू जान। थैंक यू अब्बू जान, मेरी ऐसी बच्ची हो ना खुदा की कसम मैं काम पे नहीं जाऊँ, क्योंकि हर आदमी मेरी इज्जत कर रहा होगा बिलावज, और सुनाओ अंकल बच्ची ठीक है। आओ बोतल पी लो, आओ 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 चाय पी लो। नहीं आप पंगा लिया तो पूरा लो। कह रही अब्बू जान, अब अम्मी बैठी हुई उनसे तो पूछो। विदाउट परमिशन तुमने अब्बू कह दिया, अब घर में झगड़े होंगे ना हम दो आदमी के। चलो ठीक है मैं दिन वाला अब्बू, ठीक है दिन वाला। दिन वाले अब्बू। काम पे जाने वाला अब्बू सिर्फ। नहीं नहीं थैंक यू भाई, शकील सिद्दीकी के लिए। और अब उस जोड़ी की बारी जिसमें एक है नटखट शैतान और दूसरी है चुपचाप और शांत। एक को जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए और दूसरी के लिए तो बस जिंदगी ही सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं किस जोड़ी की बात कर रही हूँ। वेल ये कॉमेडी सर्कस की जोड़ी नहीं है, ये है अंबर धरा। ये कहानी जुड़वा बहनों की नहीं, जुड़ी हुई बहनों की है, दिल की गहराई तक उतर जाने वाली एक कहानी। देखिए सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर मंडे टू थर्सडे हर रात 9 बजे। अब वो घड़ी
जिसके लिए हमने 13 हफ्तों से इंतजार किया है. द बैटल ऑफ द टाइटन्स, आवर फाइनलिस्ट जोड़ीज. द मोमेंट ऑफ ग्लोरी इज जस्ट अ फ्यू मिनट्स अवे. टू मोर परफॉर्मेंसेज एंड वी विल गेट द कॉमेडी सर्कस चैंपियन. सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द टू मैचलेस परफॉर्मेंसेज ऑफ आवर फाइनलिस्ट, जिनको आज हमने एडवर्टिजमेंट का थीम दिया है. अब देखते हैं कि ये दोनों जोड़ियां एडवर्टिजमेंट्स की धज्जियां उड़ाती हैं या फिर एडवर्टिजमेंट्स इनकी. सो होल्ड योर ब्रेथ्स, मैं बुलाने जा रही हूं पहली चैंपियनशिप की जोड़ी, थोड़ा स्टाइल से, एड गुरु अली फिरोज खान और फुल बॉडी मॉडल काशिफ खान. यादे काम, जोरदार तालियां. मरहबा, आई एम खान. Not that type of Khan, okay? I'm Feroz Khan. Hi, Black Beauty. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो. फिर से कहो, कहते रहो. इतनी भी सुंदर नहीं लगती. हाँ. चलो तुम्हारी कास्टिंग करते, जाओ उस काउच पर लेट जाओ. आउच, मैं वहां नहीं जाऊंगी, जो करना है यहीं पे करो. मतलब तुम तैयार हो? मैं तो 10 साल से तैयार हूं. तो ठीक है, ऑडिशन शुरू करते हैं. मैं कमाल शैम्पू का जिंगल गाऊंगा और उसे तुम्हें डांस करना होगा. ओके, रोल साउंड. हर किसी को नहीं चाहिए यहाँ बाल जिंदगी में, हर किसी को नहीं चाहिए यहाँ बाल जिंदगी में. Got it! शायद तुम भूल गई, ये शैम्पू का एड है, मसाजर का एड नहीं. और तुम्हें तो नाचना भी नहीं आता बेबी. मुझे लगता है इस एड में लेकर मैंने तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर दी. अरे गलती तो मैंने कर दी है. हाँ, कह के बताओ, कल का बी ग्रेड का स्टंट एक्टर आज का एड फिल्म मेकर बन गए. हाँ. हरामजादी, तू शायद ये भूल गई है कि जिस बी ग्रेड सिनेमा हॉल में मेरी फिल्म लगती थी, वहां के एक दरवाजे पर तेरी तस्वीर छपी थी और उसके नीचे लिखा था जेंट्स टॉयलेट. मैंने तुझे वहां से उठाकर यहां पहुंचा दिया. उठाने की बात नहीं करना, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम कितने गिरे हुए हो. जिनके घर शीशे के होते हैं वो बत्ती जलाकर कपड़े नहीं बदला करते. क्या मतलब? फरदीन के साथ चंद तस्वीरें हैं मेरे पास तुम्हारी. आप भी ना, चलिए शुरू करें. That's like a sweet baby. Roll sound. हर किसी को नहीं चाहिए यहाँ बाल जिंदगी में, खुशनसीब है वो जिनको. कट, कट, कट. क्या हुआ? मेरे बाल गिर गए. देखें, तुमने अपने बालों में क्या लगाया था? यही कमाल शैम्पू. एड बनाने के मामले में लोग मेरी कसमें खाते हैं. जब मैंने चश्मे का एड बनाया था तो शहर के सारे अंधे मेरी कसमें खाने लगे. जब मैंने शिलाजीत का एड बनाया था तो शहर के सारे बूढ़े मेरी कसमें खाने लगे. बेबी, ये एड तो बनकर रहेगा ताकि शहर के सारे गंजे भी तुम्हारी कसमें खाने लगे. हाँ. माफ करना, इस बार सिलसिला कुछ और है. अब हम कमाल शैम्पू का एड नहीं बनाएंगे बल्कि कमाल हेयर रिमूवर का एड बनाएंगे. तू नाच रे. रोल साउंड. हर किसी को नहीं चाहिए यहाँ बाल जिंदगी में. माफ करना मोहतरमा, तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास पड़ा हुआ है. हरामजादी, जादे, तू औरत नहीं है. आए तो तेरे साथ काम करने को कोई राजी जो नहीं हो रही थी. हाँ, इसलिए तो मुझे बुलाया है. क्या कह रही हो? ये आपने सामान जरा संभाल के रखिए आप. तो सबसे पहले कुणाल, what did you think about this performance? I think you guys were really good. I've seen some of your past performances and y'all have outdone yourselves again.
great show. Well, Ali, I hope you had performed as good in the film we did together. That would become a super hit. But here you were fantastic. Thank you, Tushar. Thank you so much. Outstanding. Because Ali, Ali has worked with me. I worked with Ali quite a few years ago. He was a kid then. And he's much, much great now. I really enjoy his shows, his performances. Same with your partner. Thank you. Thank you so much. All the best, man. बहुत बढ़िया अली, क्या बात है. आप आपने हमेशा यार जोश में काम किया इस वक्त. इस बार सुरज भाई का तो कमाल किया आपने. वाह वाह वाह, थैंक यू सर. क्या बात है. वाह काशी, बहुत बढ़िया एनर्जेटिक मामला, बहुत ताकत लगाया आपने और मज़ा आया मुझे. मैं आपको 9 मार्क्स दूंगा भाई. 9 points. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अली, तुमने फिरोज़ को बहुत बढ़िया, एफ के यू डिड अ फैबुलस जॉब ऑफ हिम. काशिफ, तुमने डांस बहुत खूब किया और जिस तरह से तुम अपने आप को हिला रही थी, मटका रही थी, आई मीन हिंदुस्तान हिल रहा होगा, लेकिन स्क्रिप्ट में मुझे थोड़े पंचेस कम लगे. सो आई गो विद जॉनी एंड आई एम गोना गिव यू 9. थैंक यू मैम. थैंक यू. आप सब लोग जानते हैं कि अर्चना को हंसाना कितना मुश्किल है. And you brought a big smile on her face. इतने इतने episodes के बाद ही the first good joke really is cracked. He's learned something in comedy circus. में कुछ तो सीखा सतीश, शुक्र है. नहीं भाई, the best thing you did was आपने getup इतना अच्छा बनाया था कि आपके आते से ही मैं समझ गया कि ये खान साहब बने हुए हैं, फिरोज खान. Now I'll agree with अर्चना कि script में सोच रहा था कि कहाँ से कहाँ निकल जाए, क्योंकि एड फिल्म बना रहे हैं, खान साहब बना रहे हैं एड फिल्म, एक खूबसूरत सी हसीन औरत उनके साथ खड़ी हुई है, क्या क्या टेंजेंट्स पे आप लोग जा सकते हैं, तो उसमें मुझे ज़रा कमी महसूस हुई. सो आई एम वंडरिंग व्हाट टू डू विद यू ऑल पीपल एंड दिस इज़ द लास्ट वन आई नो, मगर ये काम भी कुछ ऐसा है, टेढ़ा है, क्या करें क्या नहीं. भाई मैं आपको दूंगा 8. 8 points. थैंक यू सर. Welcome to the finale of Comedy Circus. Comedy Circus जीतने का जुनून दोनों finalists के सर चढ़कर बोल रहा है. So put your hands together for Swapnil and VIP with a unique mad ad act. आ रहे हैं. ए बाबा, एड्स वाला आदमी तू ये कह रहे बाबा. हाँ एड्स वाला, ये मेरे दिखावे पर ना जाओ, अपनी अकल लगाओ. एड्स वाला आदमी मैं नहीं हूँ. अरे वो बाबा पब्लिसिटी का काम तुम लोग इस करते हैं ना रे देवा. एड वाला आदमी, एड वाला आदमी मैं हूँ, मैं हूँ. आपको एड बनानी है? मस्त मेरे रैपचिक 100 लेटर बन गए मेरे को तेरे बाबा, मस्त में एकदम. आपके लिए मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है. हिंदुस्तान में पहली बार बस आपके लिए बना रहा हूँ, अभी आया दिमाग से. एक लड़की कम कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेटी. अरे देवा पहले ये तो सुन, यार किस चीज का बनाने का है? अरे ऐड किसी भी चीज का हो, लड़की होनी चाहिए. अरे मेरे यार में लड़की नहीं रे देवा. एक बार ऐड में प्रोडक्ट नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन लेटी हुई लड़की होनी चाहिए. मेरे को हेलमेट का ईयर बनाने का, हेलमेट का टूट हेलमेट. तो हेलमेट पहन के लिटा देंगे. हेलमेट पहनी हुई लड़की कम कपड़ों में बिस्तर पर लेटी हुई है, उसका बॉयफ्रेंड आता है. बॉयफ्रेंड को देखकर उसके सर में फूलदान मारती है, ठैक, बॉयफ्रेंड बेहोश. लड़की कैमरा में देख के कहती है, अगर आज जिसने पहना होता अटूट हेलमेट तो हमारा ये अटूट बंधन कभी नहीं टूटता. टिंग टोंग. ये जवा सोले तेरे बाबा, तू येर बना, मैं दुनिया को येरा बना के आता हूँ, मेरा मतलब पैसा ले के आता हूँ, तू बना रे जवा. मैंने देखा लड़की लटाने का आइडिया कभी फेल नहीं होता. एक्सक्यूज मी. ओह माय गॉड, आई गॉट अ फैंटास्टिक आइडिया फॉर एन एड, अ फ्रेश आइडिया फॉर एन एड. एक लड़की कम कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेटी हुई है. मैं एक काम को, तू लड़की को लेटा, मैं पैसे लेकर आता हूं. अबे ये मेरे को क्या समझ के गया बालक. अरे आगे जाओ, माफ करो बाबा, हमें विज्ञापन बनवाना. अरे माफ करो, यहीं आओ बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. आपको ऐड बनाना है?
आपके लिए मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है बाबा। बाबा को कैसे बोलूं? बाबा एक लड़की है। एक लड़की? तीन चार लड़कियां हैं बाबा। साड़ी पहनकर बैठी है बाबा। साड़ी? बिकिनी पहना दे। तीन चार लड़कियां बिकिनी पहनकर बिस्तर पर बैठी हुई हैं। बैठी हैं? ये तो तरकी बाबा है यार। तीन चार लड़कियां बिकिनी पहनकर बिस्तर पर लेटी आपका इंतजार कर रही है बाबा। बालक और भक्ति में लीन है। बालक जी, ये लड़कियां मिलेगी? स्टॉक में बाबा। लिटाओ जी, मेरा मतलब एड बनाओ, हम शीघ्र ही आते हैं। अरे मैं तो एड बना दूंगा, इसको बाबा किसने बनाया यार? हाय, हेलो, तुम कौन हो? अबे मुझे नहीं पहचानता। क्यों बे, तू सहवाग की माँ है क्या? अबे मैं वीआईपी। तो सूटकेस का एड बनाना या अंडरवेयर का? कॉमेडी सर्कस देखता है? नहीं। उसमें जो जोड़ी आती है ना, स्वप्निल जोशी, उसमें से मैं हूँ वीआईपी। अबे तू करता क्या है? मिमिक्री, लोगों की आवाजें निकालता हूँ। ओहो, तो तुम्हारे लिए एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है मेरे पास, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। हिंदुस्तान में पहली बार एक लड़की कम कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेटी हुई है। पति आता है, लड़की से कहता है कि मुझे शाहरुख खान की आवाज में आई लव यू करके दिखाओ। लड़की नहीं कह पाती, तुम्हारी एंट्री कट टू तुम शाहरुख खान की आवाज में आई लव यू, अक्षय कुमार की आवाज में आई लव यू, सैफ अली खान की आवाज में आई लव यू। वाव, एक वाव पे दो वाव फ्री, वाव वाव। अरे बस कर रे, अगर तू इसी तरह आवाजें सुनाता रहेगा तो जो लड़की बिस्तर पे लेटी है वो लेटे लेटे बूढ़ी हो जाएगी रे। शटर डाउन। थैंक यू, थैंक यू जजेस। I really liked it. I think you all are very energetic and it's really commendable how you took care of that hair. Thank you so much. Good show, I really liked it. I think aapki confidence bahut hi superb thi. Thank you, Tushar. You were like too focused and that's amazing. Thank you so much, Tushar. Thank you, sir. Thank you very much. Swapnil and VIP, both wonderful. Again, as with Ali, I've worked with Swapnil also. So, I mean, both the pairs are quite close to me. मुझे आज आपकी परफॉर्मेंस में वो बाइट नहीं लगी जी सर। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं आपसे कहूं कि आई वॉज स्माइलिंग बट आई वॉज इन लाफिंग जी सर। एंड यानी वो कहकहेदार जो हंसी होती थी जनरली आप लोगों के परफॉर्मेंस में जो मुझमें से निकलती, वो आज नहीं हो रहा था। मैं खुद मिस कर रहा था उसे जी सर। मैं आपको 7 दूंगा। 7 पॉइंट। थैंक यू सर। ये एक फिनाले ही नहीं है, एक ग्रैंड फिनाले हो रहा है और इसमें आपकी जो नर्वसनेस है वो भी ग्रैंड ओहदे पर ही हो रही होगी। स्वप्निल योर माइंड ब्लोइंग एक्टर, बहुत बढ़िया। लेकिन आज तुमने तो अपनी पूरी जान डाल दी, लेकिन मुझे जहाँ कमी लगी है वो पंचेज में और स्क्रिप्ट में ज़्यादा कमी लगी है, और वहीं के लिए उसी के लिए मैं मार्क्स काट रही हूँ। नॉट दैट तुमसे उम्मीद ज़्यादा थी, I know that you are very, very capable. Lekin, just keeping this performance in mind, it was weak. Ji, ma'am. So, we'll give you an 8. Thank you, ma'am. 8 points. Thank you. VIP, Swapnil, आप लोग शुरू से लेके अभी तक और फाइनल तक आए हैं आप लोग और बहुत मेहनत की, और ये काम कितना मेहनत का है ये मैं जानता हूँ। और जैसे कि इन्होंने कहा, मैं भी बिल्कुल इनके साथ हूँ। पंचेस बहुत कम थे और क्योंकि ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। मैं 7 दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू श्रुति, गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल द जोड़ीज। हर पल हमारी जोड़ियों की, हमारी जजेस की, ऑडियंस की और मेरी धड़कनें तेज होती जा रही हैं, पर जब तक टैली तैयार होती है मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ उस जोड़ी से who are the mentors and the sculptors of these jodis, jo bina thake lage rahe taki aap apni drawing room mein baith kar khoob has sake. Ji haan, main baat kar rahi hoon the heart and the soul behind these acts, the Pal duo, Gurpal and Dharampal. A big round of applause. Marhaba.
सर आप मार्क से आगे आगे थोड़ा पीछे आ जाइए. सॉरी. जब ये लोग आते हैं तो ये इतना डांटते हैं और आज ये खुद आ गए और मुझे सॉरी बोल रहे हैं. मैं आपको नहीं इनको सॉरी बोल रहा हूँ. ओ सॉरी. और वैसे भी हम लोग कोई फनी एक्ट करने तो आए हैं नहीं. हम तो यहाँ फैक्ट बताने आए. और फैक्ट ये है कि हमारे शो के चार चांद लगाने वाले जो हैं हमारे तीन चांद हमारे जजेस जो हमारे सामने बैठे हैं. अर्चना जी, सतीश जी, जॉनी जी. अर्चना जी आप इतना दिल से हंसती हैं, इतना खिल खिला के हंसती हैं और इतना रियल हंसती हैं ना, इससे हमारे शो की शोभा बहुत बड़ी है. और आपका कॉमेडी का एनालिसिस भी बहुत अच्छा रहा है. थैंक यू. लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा बोल देती हैं, बहुत ज़्यादा बोल देती हैं, फिर एडिटिंग में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, हमको काटना पड़ता है. इसके लिए देखिए आपके नंबर कटेंगे, मैं आपको देता हूँ 9. सर आप कुछ ज़्यादा बोल गए. ये एडिट कर दूंगा. और जॉनी भाई आप तो एडिट करके ही बोलते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं तो एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है. और जो राइम करके आप नंबर देते हैं, मिमिक्री करके नंबर देते हैं, उससे हमारे शो में शोभा बढ़ जाती है. सर एक प्रॉब्लम छोटी सी ये होती है कि आपके चेहरे पे हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है. ऐसे लगता है किसी क्विज शो में आ गए. बहुत बदमाश है तुम लोग. तो मैं इनके लिए कुछ स्पेशल मार्क लाया हूँ. सतीश जी की वाइफ का फोन मुझे कई बार आया. उन्होंने बोला ये क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, जब से कॉमेडी सर्कस शुरू है रात को 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं. ये पता नहीं कि जोक उस टाइम याद आता है या समझ आता है. लेकिन सतीश जी आपके प्रेजेंस से ही हमारे शो की शोभा बढ़ती है और शोभा बढ़ बढ़ के इतनी बड़ी हो गई है कि आज उसके हाथ पीले करने पड़ेंगे. माफ करना जजेस, हम आपको खिंचाई करने नहीं आए हैं. हाँ खिंचाई तो ये लोग करते हैं जिनको मार्क्स सही होते हैं. ये बहुत श्याणे लोग हैं, ये बहुत जल्दी समझ गए कि जजेस की खिंचाई करने से वो बहुत जोर जोर से हंसेंगे, बहुत अच्छे अच्छे नंबर देंगे, किसी को पता ना चले हमको बुरा लगा है. हमारे जजेस भी कम नहीं है. डोंट मेक इट अ हैबिट, नेक्स्ट टाइम हम पे जोक मत करना, लेकिन मार्क्स तो देंगे. नो नो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जिस स्पिरिट में इन्होंने ये जोक्स लिए हैं वाकई काबिले तारीफ है. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्पोर्टिंग जजेस. अच्छा अब आते हैं हमारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पे, हमारी 7 जोड़ियां. और शुरू करते हैं सुनील और किरण से. सावरा साहब, स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं ना, स्कूल में घुसने से पहले सोचते हैं कब बेल बजे और घर भाग जाए, उसमें से सावरा साहब. बिल्कुल होता है. ये 2 एंड्स कभी मिल नहीं पाए, एक एकदम पंचुअल तो एक लेट लतीफ, एक एकदम फोकस तो एक कंफ्यूज. ये सुनील सावरा मेरे पास आया. धर्म जी आपसे कुछ काम था. क्या काम था? हाँ टॉयलेट जाना था मुझे. अभी टॉयलेट के बीच में मैं कहाँ याद आ जाता था, इतना कन्फ्यूज. अच्छा कोई आदमी जब घर से निकलता है तो क्या सोचता है, आज मैं 2-4 नेक काम करूंगा, 4-5 लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगा. शकील भाई जब घर से निकलते हैं तो सोचते हैं आज मैं 12 आदमी को जलील करूंगा. आज मैं 25 लोगों की क्लास लूंगा. और जब तक ये फिगर पूरा नहीं हो जाता ना, इनका खाना भी हजम नहीं होता, इनको नींद भी नहीं आती. हाँ सैटरडे को बहुत अच्छी नींद आती है क्योंकि एक बेचारी श्रुति मिल जाती है और सारे हफ्ते की कसर इस पे उतार देते हैं. और सर लेकिन उर्वशी हैट्स ऑफ, क्या इम्प्रूव किया इसने. जब नवी नवी आई थी तो शकील जी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते थे, ये खड़ी खड़ी हम और एक सुबह मैं क्या देखता हूँ, उर्वशी शकील जी को स्क्रिप्ट समझा रही है. उसी शाम को ये दोनों आउट हो गए. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आगे प्रताप जी बैठे. हाँ ये ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए बेचारे. हाँ इनकी जोड़ी नहीं जम पाई. वो कौन सा गाना गाते रहते थे ये, केतकी मानी नहीं माननी मानेगी, केतकी मानी नहीं माननी मानेगी. और आज सुबह गा रहे थे माननी मानी नहीं, अब कौन मानेगी. और अकेले आए. लेकिन घबराइए मत प्रताप जी, हम दोनों को आप में बहुत कॉन्फिडेंस है. बहुत कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस के मामले में वरुण क्या कॉन्फिडेंस है. क्या कॉन्फिडेंस है. जब भी रिहर्सल को आता मैं बोलता वरुण रिहर्सल करते हैं. रिहर्सल क्या करने यार, शूट करते हैं. मतलब वरुण कौन सा एक्ट करेगा. एक्ट दीपक कौन सा कर रहे हैं हम लोग. और इनके पार्टनर दीपक दत्ता साहब, इनकी एक बहुत ही अनोखी हैबिट है. हर बात को रिपीट करते हैं
आपने भी नोटिस किया होगा दो बार बोल जाते हैं, दो बार बोल जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ऑटो में बैठते हैं, राइट लेना यहाँ से, राइट लेना, राइट लेना यहाँ से, राइट लेना, वो पूरा घूम के यहाँ आ जाता है। अब आते हैं करिश्मा और ख्याली पर। क्या जोड़ी है। इनमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, थोड़ा कन्फ्यूजन रहा, लेकिन बाद में बहुत घिलू ले गए। और इनकी जो स्टेजेस थी ना, डेवलपमेंट की स्टेजेस इनकी जोड़ी की, ये सुनाते हैं आपको। स्टेज वन, ख्याली घटिया जोक लेकर आया। करिश्मा, ख्याली जी जोक तो अच्छे हैं लेकिन धर्म जी कुछ और करते हैं ना। दो एपिसोड बाद स्टेज टू, ख्याली फिर घटिया जोक लेकर आया। करिश्मा, ख्याली ये जोक गंदे हैं, धर्म जी कुछ और करते हैं ना। दो एपिसोड के बाद स्टेज थ्री, कंसिस्टेंट ख्याली फिर घटिया जोक लेकर आया। करिश्मा, ख्याली के बच्चे, भाई के बच्चे हमेशा घटिया, इसे समझाओ ना। बहुत 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 घुल मिल गए, घुल मिल गए, घुल मिल गए। सही कहा आपने, लेकिन एक बात आपने कही कि घटिया जोक लाता था, एक बार अच्छे जोक लेकर आया था। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य उस दिन पीजे राउंड था, घटिया जोक वाला राउंड था, मैंने कहा भी था। अच्छा, अब आते हैं फाइनली अपने फाइनलिस्ट्स पर। स्वप्निल जोशी, कितना प्यारा बच्चा है। अच्छा, शुरू शुरू में इसको बहुत प्रॉब्लम हुई, वीआईपी के घर फोन करता था, हमेशा रॉन्ग नंबर लगता था, कभी नाना पाटेकर उठाते थे, कभी दिलीप कुमार साहब उठाते थे, ये हमेशा सॉरी बोल के बंद कर देता था। एक दिन स्वर्गीय केशव मुखर्जी ने फोन उठाया, तब जाके इसको समझ में आया कि क्या चक्कर चल रहा है। बेचारा बहुत भोला बच्चा है, भोला बच्चा है। और इस बच्चे वाले लुक की वजह से कितना प्रॉब्लम हुआ पता है, उस दिन चाइल्ड लेबर वाले बाहर आ गए, इतनी रात तक बच्चे से काम करा दे, कहां है तुम्हारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मुंह पे रुमाल बांध के घूम रहा है। फिर इसका हमने बर्थ सर्टिफिकेट बताया उनको कि ये देखिए भाई, बोला इस बुड्ढे से अभी तक काम करा रहे हो, शर्म नहीं आती। अगले दिन से पेंशन मिल गई। और सर, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि दुनिया खत्म होने वाली है, बचपन से टेंशन है। नॉस्ट्रैडेमस ने कहा दुनिया खत्म होगी, स्काईलैब गिरने वाला, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया खत्म कब होगी। तो किसी महात्मा ने मुझे बताया कि जब तक इस दुनिया में चंद अच्छे लोग हैं, ये दुनिया नहीं खत्म होगी। और उसमें से एक अच्छे आदमी को मैं जानता हूँ, वीआईपी। क्या बात है, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, लेकिन इससे बेहतर मैं ये नहीं कह सकता। वीआईपी, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ टू यू। अरे 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 सर, वेरी गुड, वेरी गुड वीआईपी। आज मेरी जीत हो गई। कॉमेडी में मामला इमोशनल हो गया, चलिए वापस कॉमेडी पर आते हैं। और अपनी एक बहुत ही चर्चित जोड़ी के बारे में बात करते हैं, यानी अली एंड काशिफ। काशिफ, काशिफ, वो किंग मिडास को एक वरदान मिला था कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाता है वो गोल्ड में बदल जाती थी, इनको भी एक वरदान मिला है। हम चुन चुन के शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन जोक्स ढूंढ के लाते हैं, इनकी जुबान पे चढ़ते ही नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं। एक दिन मेरी माँ इनका एक्ट देख रही थी और मुझे बुलाया, इधर आ बेटा, देख मैं तुझे बोलती थी ना ये लाइन खराब है, तू मानता नहीं था, ये देख क्या कर रहे हैं। अच्छा, सही। अच्छा, सब लोग हमको पूछते हैं कि भाई आप तो कॉमेडी सर्कस में काम करते हैं, बिहाइंड द सीन्स की बात बताइए, पर्दे के पीछे की बात बताइए, क्या सचमुच अली और काशिफ में कुछ पक रहा है? क्या सचमुच इनमें कुछ चक्कर चल रहा है? क्या क्या सचमुच ये दोनों तो हमें लगा कि आज कॉमेडी सर्कस का आखिरी एपिसोड है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो सोचते हैं कि क्यों ना इस राज को पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। क्या साथ दिया बैंड ने इस गाने में, भरी भाई, ये सेट का वो हिस्सा है जो कभी दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता है, द ब्राउन इंडियन बैंड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Gurpal. Thank you, Dharampal. Thank you. Raman Gurpal.
धर्म एंड गुरपाल फॉर योर एक्ट. Now for the ultimate declaration. I would like to request all our 7 juries to please come on stage. तेरह हफ्तों का ये सफर हमारी जोड़ियों के लिए आसान नहीं था. कई उतार चढ़ाव आए, पर इन जोड़ियों ने बेझिझक इस मुश्किल रोल को अपनाया और हर कोशिश करते रहे जिससे आप तक, आपके ड्राइंग रूम तक हंसी पहुंचे. और अब उस मुश्किल और उस एक्साइटिंग पल की बारी आ गई है जिसका इंतजार 13 हफ्तों से हो रहा है. जी हां, ये जानने का कि कौन है कॉमेडी सर्कस का चैंपियन. मेरे हाथ में फाइनल टैली आ चुकी है. ये टैली कुछ ही पलों में बता देगी कि आप में से कौन सी वो एक जोड़ी है जो होगी कॉमेडी सर्कस की पहली चैंपियन. लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके बाकी साथी किसे अपना चैंपियन मानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद किरण एंड सुनील. क्या अभी तक बोल रहे थे आप, हम लोगों ने हंसाया, अभी क्या झगड़ा करवाएंगे हम लोगों में. दोनों ने अच्छा भी किया और जैसे कि इन्होंने कहा कि दोनों का एक राउंड में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ भी हो गया. फ्रैंकली मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता क्योंकि अभी ये बहुत ही नज़दीकी मामला है. लेकिन आप इनके साथ पिछले 13 हफ्तों से काम कर रहे हैं. जी. आपने इनकी सारी परफॉर्मेंसेस देखी हैं. Who's the most deserving जोड़ी? अली और स्वप्निल. उर्वशी, who do you think truly deserves this trophy? जहाँ तक अली और काशिफ की बात थी, आई थिंक पहले दे वर वीक, बट देन द वे दे ग्रू एंड द वे दे हैव कम अप टू हियर इज अ कमेंडेबल थिंग. एंड हैट्स ऑफ टू देम दैट दे हैव रीच्ड दिस प्लेस, रीच्ड द फाइनल्स एंड दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब ऑफ इट. सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड सो डू आई विश काशिफ. एज फार एज स्वप्निल और VIP की बात है, स्वप्निल और VIP ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हमें हंसाया है, कंसिस्टेंट रहे हैं. यहाँ तक कि हम लोगों ने स्वप्निल को एलिमिनेट भी कर दिया बिकॉज ही वॉज अ थ्रेट, ही वॉज सो गुड. इट इज इट वी के नॉट बी बायस्ड, वी के नॉट से कि वन ऑफ देम, ईदर वन ऑफ देम इज गुड, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सो गुड, दे रियली गुड. VIP के पास वो एक खूबी है जो बहुतों के पास नहीं होती है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है, मिमिक्री की. तो मेरे हिसाब से दोनों का इस मुकाम तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है. आई विश बोथ ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट. दोनों यहाँ तक पहुँचे हैं, दोनों की जीत है. देखा जाए तो दोनों ही दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे आर वेरी 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 टैलेंटेड. सो आई विल नॉट बी डिप्लोमैटिक बट आई विल डेफिनेटली से दैट होप द बेस्ट विंस, दैट्स इट. ओके वरुण, आई थिंक पहला एपिसोड जब हमने किया था तो यही दो जोड़ियां थी जो कि अंदर डेंजर जोन में गई थी. ऑब्वियसली काशिफ एंड अली दे स्टार्टेड ऑफ स्लोली, उन्होंने अपना जो है, बट लास्ट के 2-3 एपिसोड में दे हैव रियली टर्न्ड ऑन द हीट. स्वप्निल एंड VIP, खैर वो एक बार वो भी झेल चुके हैं जो हम लोग 2 बार झेल चुके हैं. बेटा तुमसे आ गई हैं, हंसो मत. तो लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वापस आने के बाद 2 राउंड्स में किया एंड ऑब्वियसली फाइनल्स तक पहुँचे, तो सिर्फ हंसते खेलते तो पहुँच नहीं गए होंगे. लेकिन लास्ट परफॉर्मेंस में डेफिनेटली अली एंड काशिफ वो बेटर, लेकिन स्टिल आई डोंट नो कि उससे पहले की परफॉर्मेंसेस पे क्या हुआ. ओके, अब आप लोगों का अंदाजा हो रहा है हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अस टू जज. आपके खुद दोस्त एंड कम्पिटिटर्स आपको जज नहीं कर पा रहे हैं आपस में. फॉर अस इट इज़ बीन रियली डिफिकल्ट. दो जोड़ीज, एक फैसला, एक फरमान, एक जीत और 13 हफ्तों की मेहनत. दोनों जोड़ियों ने कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं और हमारे सेमीफाइनल में एक दूसरे का डटकर मुकाबला भी किया. अली काशिफ, आप दोनों 4 बार इस कंपटीशन में डेंजर जोन में जा चुके हैं लेकिन हमेशा आउट होने से बच गए बिकॉज यू वर ऑलवेज वेरी वेरी लकी. यहां तक कि पिछले एपिसोड में भी राउंड 1 में आप स्वप्निल और VIP से 5 पॉइंट्स पीछे थे. बट इन द सेकेंड राउंड ऑफ द प्रीवियस एपिसोड
You managed to get ahead of them by 1 point. और तब आपके पास थी 53 points and Swapnil and VIP के पास थे 52 points. VIP and Swapnil, आप दोनों को हमेशा हमारे judges ने आपकी innovation के लिए points दिए हैं. You've constantly come here and reinvented yourselves. और आपकी कोई भी दो performances मिलती जुलती नहीं रही हैं. हमारी ऑडियंस ने भी आप दोनों को ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन क्या आज हमारी ऑडियंस इन्हें चैंपियन बनाएगी? लक आज किसका साथ देगा, अली और काशिफ का जो अब तक काफी लकी रहे हैं, या वीआईपी और स्वप्निल का जिन्होंने अपनी हर परफॉर्मेंस डिटर्मिनेशन के साथ की है? लक आज किसका साथ देगा, अली और काशिफ का जो अब तक काफी लकी रहे हैं, या वीआईपी और स्वप्निल का जिन्होंने अपनी हर परफॉर्मेंस डिटर्मिनेशन के साथ की है? मुझे बेहद खुशी हो रही है कॉमेडी सर्कस की पहली चैंपियन जोड़ी को अनाउंस करने में, जो जीतेंगी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, कॉमेडी सर्कस की ये ट्रॉफी एंड ऑफकोर्स 20 लाख रुपए का चेक. और वो जोड़ी है अली एंड काशिफ. यू हैव वन विद 103 points एंड स्वप्निल एंड वीआईपी आर द रनर्स अप विद 97 points. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. Please have Kunal Khemu and Tushar Kapoor on stage. Check aur trophy dene se pehle, Swapnil, I would please like to hear what you have to say about your journey so far. Sabse pehle, bahut 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 badhai Ali aur Kashif ko. Zordar taali Ali aur Kashif ke liye. जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो सच कहूंगा सिर्फ 1.5 सेकंड के लिए बुरा लगा. उस 1.5 सेकंड के पीछे पिछले 13 हफ्तों की मेहनत थी, 13 हफ्तों की एक्सपेक्टेशन थी. क्योंकि अगर मैं कहूं कि हम यहाँ जीतने नहीं आए थे तो मैं झूठ बोल रहा हूँ. ये रेस है और हम यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए तो आए नहीं थे, हम भी जीतने आए थे. लेकिन वो दुख 1.5 सेकंड में ख़त्म हो गया और उसकी वजह अली है. अली मेरा भाई है, अली मेरा बहुत पुराना दोस्त है. खुशी इस बात की है कि ट्रॉफी मेरे कमरे में नहीं आ रही, लेकिन घर में मेरे ही आ रही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू वीआईपी. जब आप किसी नए मुल्क में जाते हैं काम करने के हवाले से, तो आपको एक अच्छे दोस्त की बहुत ज़रूरत होती है. तो वो अली की शक्ल में मिला. मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा पार्टनर अली नहीं होता तो मैं पता नहीं शायद हम कुछ कर पाते या नहीं. दोस्त बोला, दोस्त पार्टनर बोला, पार्टनर वही वाला पार्टनर. झूठ मत बोल, वही वाला पार्टनर. किस चीज का पार्टनर? और आप सब लोगों का शुक्रिया, शुक्रिया. इस जीत के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे भाई जैसे अच्छा तो नहीं बोल सकूंगा. जैसे सतीश भाई कहते कि अजीब ईरानी है, हिंदी भी बराबर नहीं बोलता. तो डेफिनेटली मेहनत की है हमने, यहाँ तक आएंगे नहीं सोचा था. गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि इसमें सबसे बड़ा हाथ मतलब हमारी माओ का है, उनकी दुआ का है. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू माँ. यस, मैं जीता नहीं हूँ लेकिन थैंक यू सो मच माँ. आई थैंक यू सो मच. दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू. थैंक यू विपुल भाई,
संजीव शर्मा ऑप्टिमिस्टिक, थैंक यू वेरी मच सोनिया एंटरटेनमेंट, थैंक यू जजेस मेरे गुरु, थैंक यू सो मच। बस ये कि हम आपकी उंगली पकड़ कर चले, थैंक यू सो मच। थैंक यू अली, थैंक यू काशिफ, एंड कैन आई प्लीज हैव द ट्रॉफी एंड द चेक ऑन स्टेज। Congratulations. And Ali and Kashif, ये रहे आपके 20 लाख रुपए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। गाइज ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। इट्स ए न्यू बिगिनिंग। कॉमेडी सर्कस इज हियर टू स्टे। कॉमेडी सर्कस के सक्सेस को सेलिब्रेट करने हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कॉमेडी सर्कस एक्स्ट्रा इनिंग्स, जिसमें होंगी कुछ जोड़ियां वही और कुछ जोड़ियां नई, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आइटम सारी होंगी नई। तो जल्दी ही कॉमेडी सर्कस फिर आएगा, आपको ढेर सारा हंसाएगा। तो रहिए तैयार फॉर कॉमेडी सर्कस की एक्स्ट्रा इनिंग्स के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।